पिछले वीडियो में मौर्य काल के बारे में राजशिवम सर ने आप लोगों को उस टॉपिक पे चर्चा किया था, कुछ प्रश्न बताया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल, जिनकी काल समय 185 ईस्वी पूर्व 319 ईस्वी तक रही है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे वीडियो की तरफ। अंतिम मौर्य सम्राट विहर्द की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन फर्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आंसर है पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट विहर्द के राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। क्वेश्चन को फिर से आप लोग सुन लीजिए। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट विहर्द की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो आंसर है सेनापति। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कौड़ वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर है वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो उत्तर है शिमुक है सातवाहन आंध्र सातवाहन का संस्थापक था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, सातवाहना ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। उत्तर है किसके अधीन काम किया था। तो मौर्यों के अधीन काम किया था। छठा प्रश्न है, वह महानतम कुशल नेता कौन था जो बौद्ध का बन गया था। तो उत्तर है इसका कनिष्क बौद्ध का बन गया था। सातवां प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है। उत्तर है भारत ग्रीक शैली का। आठवां प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो वो है पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। नौवां प्रश्न है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है। तो उत्तर है पेशावर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दसवां प्रश्न देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो वो हैं कनिष्क के थे। ग्यारहवां प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो वो है गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। बारहवां प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी। तो वो है एंडोबैक्टियन द्वारा
सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो वो हैं कषाण ने। कषाण ने सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातुओं के बने थे? तो वो है शीशा के। 16वां प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो उत्तर है नागार्जुन, अशोध, वशुमित्र, अश्वघोष और वशुमित्र। 17वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? किस वंश के शासकों ने? तो वो है शातवाहन ने। शातवाहन ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध को करमुक्त भूमि एवं गांव देने का प्रथा आरंभ किया था। 18वां प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो उत्तर है यूनानियों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो वो है कनिष्क ने। कनिष्क ने रेशम मार्ग आरंभ कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो उत्तर है कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 21वां प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो उत्तर है कनिष्क के। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान में। 24वां प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आंसर है खारवेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर है वास्तुकला में।